बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला को खुश रखे, हर आने वाले दुख तकलीफ से निजात दे। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। व्लॉग का आगाज करने से पहले छोटी रिक्वेस्ट करते हैं, जिन मेहमानों ने हमारा निदा फैमिली व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक टाइम तक पहुँच सके। आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मामू के व्हाइट सेल्स बहुत कम हो गए, तो मम्मा बहुत परेशान है। इसलिए मम्मा कोई मेहमान आए मामू को पता लेने के लिए, और मेहमान देखते हैं कौन आया है। 5-6 दिन पहले ना बिलाल ने बुखार हो गया, बुखार होने तो बाद पहले तो ऐसे शायद मलेरिया या टाइफाइड का मसला बन गया है। मलेरिया टाइफाइड हुआ तो टेस्ट कराया, माशाल्लाह वो नेगेटिव आ गए। उस तो बाद फिर डॉक्टर साहब ने मशवरा किया, उन्होंने कुछ और टेस्ट दस्ते सी, और टेस्ट ले थे, वो टेस्ट कराया तो उन्हें पता लगे भाई जो WBC होंगे ना वाइट सेल, वो काफ़ी मकदार इतना घट हो गए थे, और ये जिसमें सी सिर्फ 2000, जबकि वो 4000 तो उतने होने चाहिए, 4000 तो 11000 तक होंगी उसके नाप में बैठे, वो आगे से 2000 थे। और वजह तो ये अंदर ना जिसम के अंदर ताकत खत्म हो गई, कुत मुसाफिर बिल्कुल खत्म हो गई थी, खाना पीना इतना बंद हो गया सी। बस इतने अल्लाह ताला ने करम किया, फिर दोबारा डॉक्टर साहब को गए, रिपोर्टा लेकर उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी तुम एवं करो इन्होंने ना कोरोना टेस्ट कराओ। कोरोना टेस्ट कराया सी निस्तर हॉस्पिटल लै गया, फिर उन्होंने निस्तर एमरजेंसी उत्थे टेस्ट कराया, टेस्ट माशाल्लाह वो अल्लाह ने मेहरबानी की, नैगेटिव आ गया। मेन जरा मसला आ रहा है WBC का आ रहा है, वापसी आया डॉक्टर साहब ने चेक कराया, डॉक्टर साहब ने कहा जी WBC जरा ना वो ज्यादा कम है, इस वास्ते जिन्या तारे गुंजाइश है तुम उस लेने तैयार ना, WBC ने ट्रिपल लगा दिया। वो फिर डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया रात ट्रिपा से लाया, हूँ माशाल्लाह कुछ पहले ना कुछ तबीयत वो बेहतर है, वो वजह तो परेशानी बन गई सी। बेगम साहब इन्हों की वापसी चली गई थी उसे अपने घर पिंड पिछे कुछ दिन वास्ते अपनी अम्मी के घर, तो तबीयत सुन के वो भी वापस आ गए। नाल उन्होंने वालदा है बिलाल की सस है, बाकी बेगम साहब बैठे परेशान बैठे, बस दुआ करो अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए ताकि अपने काम तो जा सके, काफ़ी दिन हो गए काम तो भी नहीं जा रहा। बाकी अल्लाह मेहरबानी करेगा, दवाई लिख के दी डॉक्टर साहब ने, अज इन्होंने दोबारा चेक कराना, जिम्मे इन्होंने तबीयत सही होगी तो फिर काम पर जान के बस अगर सारे भैन भाई आगे एक रिक्वेस्ट है कि रिश्ते का दुआ सब दुआ करना, आके जल्दी से जाब हो सके तो आप काम से ड्यूटी अपनी जा सके। मैं वैसे तो गाँव गई हुई मगर मेरे बुखार होया, इन्होंने कॉल की है तो इन्हें मेरे कॉल की है, बोलिया नहीं चलना बच्चे बुखार आ गया, मैं घर वापसी आई हाँ, मैं तो आप तो दोनों आई हाँ, आई मेरी तबीयत खराब सी वैसे बुखार आ, तो दवाई वगैरह लैके दी है तो नहीं सही होना सैट नहीं होना, फिर डॉक्टर ने चेक कराया वा, डॉक्टर ने फिर कुछ टेस्ट लेके दो टेस्ट करवाए ने, फिर दोबारा चेक करवाया फिर भी सही नहीं, फिर उन्होंने होर किसी टेस्ट लेके दिए वो भी टेस्ट करवाए, फिर उन्होंने ये मतलब भी जो तो कोई मतलब मसला नहीं निकलिया, यही मसला निकलिया जो सफेद सैल ना बिल्कुल खत्म हो गए, तो कम रह गए बिल्कुल ना, तो वो बिल्कुल ना ये साफ हो गया, जो अचानक मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो ही मैं तुम रोंद कॉल की सारे ने, मैं क्या 100 बंदे ने वादा करना अपना नुकसान, तो कॉल करती भाजी ने कॉल करती सारे ने कॉल करती, ना कुछ है खाता से ना पीता से, फट के वाशरूम लैके जाते फड़के जरा अगे पिछे कर रहे हैं ठाक आए खिच खिच के इन कुछ शैक ला रही है, ना कुछ खा रहा सी ना पी रहा सी, दवाई लैके
इस करके फिर मैं मशवरा किया मैं इतनी सैट हो रहा जारी गल बीवी है बच्ची छोड़ी इन भैन भरा दसा कल सौ नफा एक साल वादा घाटा कह रही भैन कल लैके बैठी गई सू दसा नहीं है काले परेशान ना हो अल्लाह ताला बेहतरी करेगा हर मसले हल तो होंगे है ना सारे पहला बहुत इकट्ठे बैठे इन्नी टेंशन जिन्नी मेरे ते कभी ना टेंशन होती सारी गल मैं ही संभालना है फिर और किसी संभालना जो आए मेरे को ही आया तो फिर मैं ही संभालना है अपनी तबीयत चाची मेरे तेरे सामने अपनी मेरी तबीयत सेट नहीं है वो तो बच्चे छोड़ छोड़ कर अपनी पहली परेशानी मर गई छोटी भैन के घर आया जैन के पापा लै गए आसफ आया आसफ ने जैन के पापा डॉक्टर के लाए चले गए मेरे सुकून ना गए बार बार इन्हें पूछा अच्छा लैके आया तो इन्हें कोई हाल ना पाता लिया गए मर पा गए चाहे वो ना गोलिए तो सुता रात में उन्हें शाम शुरू लै पकड़ गए सारी रात चाची यकीन कर नींद नहीं उठ के बैठे का मुँह देख लो उठिए बैठे का मुँह देख लो एक बज गए दो बज गए तीन बज गए जो चार बजे उदो जाके मर्जी जी मेरी अख लगी मैं तेन पता फोन सदी थोड़ी देर तो बाद आसान होने लग जाती ਇਹ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੰਦਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਮਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਰ ਕਰੋ ਅੱਜ ਆ ਕੋਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਫੈਰ ਕਰੋ ਅੱਜ ਆ ਕੋਲ ਦਾ ਸਾਰਾ सारे मेरे भैन भाई वास्ते सारे मेरे भैन भाई देखो सी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ मेरे भाई वास्ते बहुत ज्यादा दुआ करो तंदुरुस्तियां सेहत दे तंदुरुस्ती दे छोटी जी बच्ची है हले बिलकुल नौजवान पिया वा इन्नी ज्यादा उम्र भी नहीं इन्नी ज्यादा उम्र आई 24 साल उम्र है नहीं मेरा हाँ 23-24 साल उम्र है कोई इन्नी उम्र भी नहीं गी चलो एक हों 40-50 साल का 43-44 साल उम्र होंगी है 23-24 साल उम्र है जी बीवी जी भी इन्नी कम उम्र है वह एक तो मतलब कि 2-3 साल छोटी है वो भी 21 साल होती उम्र है 23-24 साल यदि उम्र है एक साल की इन्हों की बेटी है एक साल हो गया इन्हों की बेटी है एक साल की इन्हों की बेटी है बिल्कुल कम उम्र से अल्लाह सोना बस तंदुरुस्ती दे मसले एक बार जो शुरू होंगे मेरे बार बार ही कच्ची होंगे अल्लाह सोना इन सेहत दे तंदुरुस्ती दे मैं खावे पीवे कोई खुराक टाट नहीं कह तो खुराक खाऊगा फिर सही होगा कोई खुराक तो खाता नहीं खाते मेरे बहन भाई आगे सारे अगे रिक्वेस्ट आ जल्दी जल्दी मेरे काम ठीक हो सारे मेरे बहन भाई दुआ कर मेरे काम वास्ते बहुत सारा टेंशन है तो यकदम मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो गई अच्छा तारा टेंशन ना ले तो रोई ना नहीं ये मैंने तंदुरुस्ती दे बस दुआ करी दी है ना मैंने ठीक हो जाऊंगा माशाल्लाह कुछ नहीं होगा
ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਕੋ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।